गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी यहाँ पे सुबह के हो गए 7:30 और हस्बैंड को ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट और उनके लंच में क्या दूँ, क्योंकि वहाँ पे खाना भी अलग मिलता है तो लंच ऑफिस में नहीं करते, तो मुझे ही बना के देना होता है। तो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या बनाती हूँ। वैसे मैंने सोचा है मैं आज आलू और मटर बना देती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स जो यहाँ पर ग्रीन आती है उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब हमें अच्छा ही लगेगा। ऑमलेट की कर ली है तैयारी, मैं ऑमलेट बनाऊँगी। और इधर मैंने बना दिया है चाय, पहले ये बनाती हूँ फिर मैं उनके लंच की तैयारी करती हूँ। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ। राज्य के स्कूल से फ़ोन आ गया था कि आपको यहाँ पे आपका फॉर्म रखा हुआ है एडमिशन का, आप ले जाओ। वैसे एडमिशन का डेट तो लास्ट कल ही हो गया था, बट हमें पता नहीं चला था और कल भी नहीं पहुँच पाए थे। तो आज उन्होंने फिर वेचा में मैसेज किया कि आप आके यहाँ पर फॉर्म ले आओ। तो अब मैं वहीं पर जाके देखती हूँ कि स्कूल कैसा है। थोड़ी देर अंदर रखना पड़ेगा, बोलते हैं यहाँ पे लोग लेके भाग जाते हैं, चोरी हो जाता है, इसे हमें छुपाना पड़ेगा थोड़ा फोन को अपने। स्कूल पहुँच के हम आपसे मिलते हैं। बस कोई गाड़ी है ना बाइक है और हमें वॉक करते ही जाना पड़ेगा। और हम कैब वैब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनकी लैंग्वेज ही नहीं आती, हम उनको बोल भी नहीं सकते। आई थिंक ये एंट्रेंस है। हम स्कूल पहुँचे तो वहाँ पता चलता है कि फॉर्म तो कलेक्ट करा लिया है लोग ऑफिस से। तो मैम वही बोल रही है कि आपने यहाँ पे फॉर्म कलेक्ट करा लिया है, आपके ऑफिस से आए थे सर के और तीन बच्चों का फॉर्म कलेक्ट कर लिया गया है। तो फिर हम वहाँ से बस वापस आ गए, यहाँ तक बुला लिया और ना ही कुछ फॉर्म मिला ना ही कुछ, बस ये पकड़ा के भेज दिया और बोल दिया कि आपके फादर ने कलेक्ट करा लिया है। फादर ऑफिस में बैठ के कलेक्ट कर रहे हैं। किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों हमें परेशान कर दिया, यहाँ तक भाग भाग के आए। यहाँ पर मैं यहाँ पे एक चीज ये नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पे जो भी है, स्कूल हो, बिल्डिंग्स हो, जो भी हो, सबका केयर इतने अच्छे से होता है। कितना क्लीन है, मतलब बहुत ही क्लीन है, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, लोग कहीं भी बैठ जाते हैं गंदे में, कहीं भी गंदगी में बैठ जाते हैं। जिंजर फिर पैसे इन्होंने हमें रिटर्न किए, हमने एक लाख दिया था तो ये हमें 60,000 रिटर्न करेंगे। बट थोड़ी देर काउंट करना पड़ता है क्योंकि यह समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, ये कितना है, थोड़ी देर सोचना पड़ता है। अच्छा इतना हुआ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। सोसाइटी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो ये ऊपर तक नहीं आ सकते क्योंकि इनके पास एक्सेस कार्ड नहीं होता और आपको नीचे से ही पिक करना होगा। तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ की तरह नहीं कि आगे ऊपर बुला लो आ जाओ, बट यहाँ पर नहीं, आपको नीचे से ही सारा सामान पिक करना होता है। वहाँ से आने के बाद मुझे भूख लग गई थी तो अब मैं और ब्रेड भी देखो, ब्रेड कुछ इस तरीके के होते हैं, बिल्कुल टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। चाय का भी मुझे इतना टेस्ट नहीं आ रहा है। चाय और बिस्किट, ये बिस्किट मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पे तो बहुत कॉस्टली है, जो पैक 10 रुपीज का था यहाँ पे 50 रुपीज में बिस्किट मिल रहा है। हम माँ बेटे रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं पार्क में, थोड़ी सी अपने फ्रेंड के साथ राज्य थोड़ी देर खेलेगा क्योंकि घर पे बोर हो जाता है। आप वापस घर आएंगे तो स्कूल का एडमिशन का फॉर्म लेके आएंगे, उसमें सब कुछ भर के कल सुबह 10 बजे जाके जिनका फॉर्म देना, एडमिशन होगा, टेस्ट होगा, बुक्स, यूनिफॉर्म, ये सब होते होते 1 या 2 बज ही जाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी तो मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, उसके साथ खेलूंगा पार्क में। हम लोग घर आ गए, घर आने के बाद मैंने डिनर कर लिया, डिनर करने के बाद मैं सोने का टाइम हो गया। और यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज है, सब कुछ है,
बट अभी हमें तो कुछ पैसे काउंट करने में या कुछ करने में तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या ले रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं। शॉप पे जाते हैं और हमने उनको पैसे दिए, अच्छा ये इसमें आप ये दे दो, इतना दे दो, हाँ ठीक है, फिर हम बाद में काउंट करते हैं, अच्छा इतना हुआ। तो अभी भाई समझ में थोड़ा कम आ रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद समझ में आ जाएगा क्या है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।